बस अरे पीछे ये सर पीछे जाइए थोड़ा भैया उधर जाओ साइड जाओ फोन वाले इसको साथ में लेकर प्लान किया गया है कि इंडोर स्टेडियम में ही काम करेगा। और आप तालियों के द्वारा सहयोग कर सकते हैं इस शुभ कार्यक्रम के शुभारंभ में। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपसे निवेदन है और परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को पूरा राग माला भेंट करने के बाद मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी माननीय विधायक टू डोर कूड़ा कलेक्शन प्रारंभ कर चुके हैं ना। हमारी परंपराओं में माना जाता है सम्मान का प्रतीक, हमारी आस्थाओं मान्यताओं और परंपराओं का प्रतीक ये पगड़ी पहनाना। वो समस्त योजनाएं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, ये आसरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण, 41वीं वाहिनी पीएसी में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण, सॉलिड लिक्विड रिसोर्स प्रबंधन कार्यक्रम, जनपद गाजियाबाद में शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल। अगला नाम श्री सुभाष त्यागी जी जो प्रगतिशील कृषक हैं सिकेड़ा क्षेत्र से। तत्पश्चात श्री दलबीर प्रधान जी, आप प्रगतिशील कृषक योजना के अंतर्गत आपको सम्मानित किया जा रहा है, आप मुरादाबाद से हैं। इसके बाद श्री हिमांशु मित्तल जी, पशुपालन दुग्ध उत्पादक योजना के तहत आपको सम्मानित किया जा रहा है। उनका नाम सबसे पहले मनीषा शर्मा, दो बार आप वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, दो बार एशियन चैंपियन रह चुकी हैं, 2017 में फिलीपींस और 2018 में दुबई में जाकर आपने प्रतिनिधित्व किया, मनीषा शर्मा। अगला नाम दीक्षा शर्मा, दो बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, दो बार एशियन चैंपियन, दोनों बहनें हैं ये मनीषा शर्मा और दीक्षा शर्मा, ये दो हमारी खिलाड़ी। जोरदार तालियां आप सभी से निवेदित हैं, ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं बाहर जाकर भी, हमें होता है ऐसे अपने खिलाड़ियों पर। अगला नाम पारुल त्यागी, दो बार वर्ल्ड चैंपियन, दो बार एशियन चैंपियन रह चुकी हैं पारुल त्यागी, आपको भी आज इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है उनकी उपलब्धियों के लिए। आयुष्मान भारत के दो लाभार्थियों को यहाँ पर मैं बुला रही हूँ गोल्डन कार्ड के लिए। पहला नाम प्यारे लाल जी, ग्राम पतला से हैं। अगला नाम है मंगत राम जी। आयुष्मान भारत, हम जानते हैं कि 10,000 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, आज 275 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। पहला नाम शीला, रोजी कॉलोनी गाजियाबाद, इनके सपनों के घर की चाबी इन्हें दी जा रही है। मैं सबसे पहले आप सबको देश के किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के 116वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पतला के इस प्रांगण में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी की देश और प्रदेश के प्रति सेवाओं को कोटि कोटि नमन करते हुए
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सौभाग्य योजना में अब तक हम लोग लगभग 90 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा चुके हैं। यहां पर डार्क जोन के नाम पर किसानों को जैसे तबाह किया जाता था, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, हम लोगों ने डार्क जोन से इस पूरे क्षेत्र को अलग करते हुए किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और साथ ही साथ मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हितों के लिए जितने कार्य किए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य करते हुए आप सबको मैं इस बारे में आश्वस्त करने के लिए आया हूं। क्या चौधरी साहब की प्रतिमा 14-12 वर्षों से यहां पर अनावरण करने के लिए यहां पर पड़ी हुई थी। लोग अनावश्यक रूप से चौधरी साहब के नाम पर राजनीति तो करते थे, लेकिन चौधरी साहब ने जिन मूल्य और जिन आदर्शों की स्थापना सार्वजनिक जीवन में की थी उसका अनुकरण नहीं कर पाते थे। और मैं इसे सौभाग्य मानता हूं अपना, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि चौधरी साहब की स्मृति में बने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य आज यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से चौधरी साहब के आदर्शों को सार्वजनिक जीवन में हमारा जनप्रतिनिधि आम कार्यकर्ता उतारते हुए किसानों के लिए, गांव की समृद्धि के लिए, नौजवानों के हितों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएगा।